बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट और मैं हूं आसिफ खान। और अब पीएसएल का आखिरी मैच आ गया है, फाइनल ऑफ द पीएसएल बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। कौन जीतेगा? आपकी फेवरेट टीम होगी, मेरी भी फेवरेट टीम हो सकती है, लेकिन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्रिकेट। शुएब मोहम्मद साहब की तरफ आपको लेके चलता हूँ और शुएब मोहम्मद साहब आपको बताएंगे कि उनके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है। ज़बरदस्त फाइनल एक्सपेक्टेड ज़रूर है, लेकिन जो बेटर क्रिकेट मोस्ट डेफिनेटली जो खेली है वो मुल्तान ने ही खेली है। और मेरा बिफोर द टूर्नामेंट हैड स्टार्टेड मेरी नंबर वन टीम वही थी, सो आई हैव टू स्टिक ऑन टू माई वर्ड्स वॉट एवर हैड सेड अर्लियर, ऑलमोस्ट 32 डेज अर्लियर। बट ऑल सेड एंड डन, लाहौर की टीम ने आके बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दे आर ऑल्सो लुकिंग अ विनिंग साइड, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन इनके टॉप ऑर्डर जैस तरह फखर कुछ इनिंग्स उनकी फेल हुए, इतना परफॉर्मेंस नहीं दे सके। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्यू रन्स। और जो मैच फ्लक्चुएट होता है, कभी इसके हाथ में जाता है, कभी उसके कोर्ट में जाता है, तो बात यह है कि आपके पास जब आए तो उसको इतना मजबूत कर लें कि वो दूसरे के बियॉन्ड रीच हो जाए। और एक्सपेक्टेशन यही है के बहुत इलेक्ट्रिफाइंग मैच ज़रूर है, लेकिन लाहौर इज़ आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द, मेरा ख्याल से 55-45 ही है अभी इस वक्त मैच। आउट ऑफ 7 कोई जीत नहीं सका है, तो वो पॉइंट सिर्फ एक ऐसा है कि किसी भी तरीके से लाहौर की कोशिश होगी कि ये टूर्नामेंट जीते। थैंक यू जी। तो ये थे शुएब मोहम्मद साहब, आपने उनकी बात सुनी। उनके ख्याल में मुल्तान सुल्तान को एज हासिल है बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी, यानी कल अच्छा खेलेगी, वो टीम जीतेगी यकीनन। तो मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा जब ये मौका पूरा हो जाएगा, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सब्सक्राइब भी कीजिए फ्री हिट को, आप कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।